वन पीस का वर्ल्ड जितना ज्यादा टापुओं से भरा हुआ नहीं है ना, उससे कई ज्यादा ये स्वॉर्ड से भरा हुआ है। वन पीस के वर्ल्ड में एक से एक स्वॉर्ड्स पाए जाते हैं। इन्हीं में से कुछ स्वॉर्ड्स आते हैं जो 12 सुप्रीम ग्रेट्स में से एक होते हैं। अब ये स्वॉर्ड्स इतने ज्यादा मतलब पावरफुल होते हैं ना, इनके लिए तुम नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं ला सकते, वो टूट जाएंगे यार। खैर, ऐसे ही कुछ कैटेगरी में आते हैं कुछ ऐसे स्वॉर्ड्स जो कि कर्स होते हैं। इतने ज्यादा कर्स होते हैं, ये अपने विल्डर को ही मारने के लिए जाने जाते हैं। प्लस इन स्वॉर्ड्स को यूज करने के लिए नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन की तो फटी पड़ी होती है, इन स्वॉर्ड्स से वो दूर भागते हैं। अब ऐसा क्यों होता, आखिर कर्स स्वॉर्ड काम कैसे करता है, इस बारे में आज हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। इस चीज को जानने के लिए हमें थोड़ा जो है आगे जाना पड़ेगा मांगा चैप्टर 1033 में, जहां पर हमें रिवील किया गया कि आखिर कर्स स्वॉर्ड काम कैसे करता है। स्वॉर्ड्स में कर्स नहीं होता है, एक्चुअली उन्हें बदनाम किया जाता है। दरअसल ये चीज जो है हमें शिमत्सुकी कोजा बुरो ने बताया, जिन्होंने एनमा बनाया था। वो ये बताते हैं कि जितने भी स्वॉर्ड्स हैं, जब स्वॉर्ड्समिथ बनाता है ना, वो इसलिए बनाता है कि वो लोगों की जान ले सके। प्लस हर स्वॉर्ड के अंदर एक पर्सनालिटी होता है, एक तरह से एक समझो एक पर्सन होता है जिसका खुद का एक यूनिक कैरेक्टर होता है, जिसका मकसद सिर्फ एक ही है, जान लेना। प्लस वो लोग ना एक ऐसे स्वॉर्ड्समैन की हमेशा तलाश में रहते हैं जो उन्हें काबू कर सके। वीक स्वॉर्ड्समैन अगर उन्हें पकड़ के यूज करे ना, वो लोग यार उसी का ही जान ले लेते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल देखना है, एनमा को ले लो। तुम एक बात गौर करो, ओडेन इतने अच्छे से उसको यूज कर पाता था, बट जोरो जब भी उसको पकड़ता है उसका हाकी इतना ज्यादा खींचने लगता है, बिकॉज एनमा जोरो को टेस्ट कर रहा है। और वहीं अगर हम लोग चले जाए ओडेन की तरफ, तो भाई काइडो उसकी रिस्पेक्ट करता है, काइडो उसको कितना मानता है, तो तुम सोच लो वो कितना अलग लेवल का स्वॉर्ड्समैन था, और वो एनमा को ऐसे ही मजाक में यूज कर पाता था। हाँ वो बात अलग है, अभी तक उसने उसको ब्लैक ब्लेड में चेंज नहीं किया है और ना ही जोरो कर पाया, पर जोरो जब एनमा के फुल पोटेंशियल को यूज कर लेगा ना, एक चीज जान लो भाई, एनमा जो है ना वो 12 सुप्रीम ग्रेड्स में आ जाएगा। प्लस एक और बात मैं तुमको बताता हूँ, शिमत्सुकी कोजा बुरो ने जब एनमा को बनाया था तो उसको उन्होंने रखा था लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड के नाम पे। अब लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड है कौन, साक्षात यमराज। तो तुम समझ जाओ यार ये स्वॉर्ड कितना ज्यादा खतरनाक होगा, जोरो जैसा स्वॉर्ड्समैन उसको यूज नहीं कर पा रहा। प्लस मैं तुमको एक और बात बता दूं, जोरो के पास एक और स्वॉर्ड है, केतेत्सु स्वॉर्ड, जो कि कर्स है, जिसको किसने बनाया था पर इसका नाम मैं भूल गया। अब ये स्वॉर्ड भी कर्स है, याद होगा लॉकडाउन आर्क में जब जोरो ने इस स्वॉर्ड को लिया था, उसको आसमान में उछालता है और अपना हाथ आगे कर देता है। और अगर जोरो एक वीक स्वॉर्ड्समैन होता ना, वो स्वॉर्ड इसका हाथ काट देती, पर जोरो अपना वीक स्वॉर्ड्समैन तो है नहीं, वो उसका विल भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो हाँ तुम सही समझे, उसी वजह से उस स्वॉर्ड ने क्या किया, उसको अपना मास्टर मान लिया और वो उसके हिसाब से काम करता है। बट बात करूं एनमा ही, तो भाई एनमा का अलग ही चौड़ है। एनमा का नाम है पड़ा है लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड के नाम पे, उसको काबू करने के लिए नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन से भी ऊपर लेवल का चाहिए। जोरो तभी उस स्वॉर्ड को काबू कर पाएगा जब वो दिखाएगा, वो बताएगा कि मैं तेरे लायक, तब जाकर के वो काम कर सकेगा, उसको अच्छे से यूज कर सकेगा, वरना भाई ये स्वॉर्ड ऐसे ही उसका जान ले लेगी। यहाँ पर कुछ लोगों को अब शायद समझ में आ रहा होगा कि आखिर जोरो का लेवल कहाँ है ओडेन के सामने। मतलब एक तरह से तुम समझो, जितने भी लेजेंडरी स्वॉर्ड्समिथ होते हैं, वो लोग एक ऐसा स्वॉर्ड बनाते हैं, लेजेंडरी वाला स्वॉर्ड बनाते हैं कि भाई ये लोगों की ज्यादा से ज्यादा जान ले सके। प्लस इसको यूज करने वाला जो यूजर होगा वो भी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन हो, वीक वाला नहीं हो, वरना ये उसी का ही जान ले लेगा। वैसे हाँ, जो लोग तासागी के हेटर है, बहुत बड़े तासागी हेटर है, मैंने बहुत लोगों को देखा है उसको बहुत ज्यादा हेट करते, उसका ड्रीम है दुनिया भर के स्वॉर्ड्स को इकट्ठा करने का। तुम लोग हेटर हो ना यार, ज्यादा कुछ नहीं करना, उसको अपना ड्रीम पूरा करने दो, एक ना एक कर स्वॉर्ड वो पकड़ ले, अपने आप वो स्वॉर्ड ही उसका जान ले लेगा। खैर वैसे ओडा तो ये सब चीजें नहीं करेगा, वरना बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो जाएगा उस बिचारी के साथ, और वो अगर टपक गई तो फिर ये सोनन से कुछ अलग ही लेवल पे चल जाएगा। एक और चीज शिमत्सुकी कोजा बुरो ने बताया था कि ये जो कर्स वाला जो नाम पड़ा है भाई, वो एक तरह से उन वीक स्वॉर्ड्समैन ने ही दिया है, बिकॉज वो लोग मर जाते थे तो उनको लगता था कि ये स्वॉर्ड ही कर्स है, इस वजह से वो लोग मर जाते थे जो भी उसको पकड़ता था, बाकी सारे लोग डरने लगे। और यार शिमत्सुकी कोजा बुरो ने मतलब बोला था कि ये कर्स कहना वो एक तरह से मजाक है, लेकिन
इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह से एक तरह से लेना चाहिए, बिकॉज कमजोर स्वॉर्ड्समैन इसको यूज नहीं कर सकते। इसके लिए स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन होना चाहिए भाई, उसका विल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वरना उसका टपकना तय है। तुमको याद है एक केतत्सु स्वॉर्ड जो लूफी ने वानो आर्क के स्टार्टिंग में पकड़ा था, अगर वहां पर लूफी वीक बंदा होता ना, हम सबको पता है यार लूफी का विल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूफी कोई स्वॉर्ड्समैन नहीं है, पर वो उस स्वॉर्ड को पकड़ के यूज तो कर रहा था, भले ही मार काट नहीं रहा था, पर वो जिस हिसाब से यूज कर रहा था वो एक तरह से मजाक ही था। पर हाँ, लूफी अगर कोई वीक बंदा होता तो वो स्वॉर्ड ही उसका जान ले लेता, पर लूफी का विल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो स्वॉर्ड जो है उसको एक तरह से मान लो एक्सेप्ट कर लेती। हाँ, वो पता लगा कि लूफी जो है स्वॉर्ड चलाना ही नहीं आता उस गधे को। अब शायद यार तुम सबका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये कर स्वॉर्ड क्यों नाम पड़ा, इनको कर स्वॉर्ड क्यों कहा जाता है। अगर तुम्हारा कुछ और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारो यार, और हाँ, घूमते घामते इस चैनल पे नए आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।